हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए जो है वीडियो मिल रहा है फ्रेंड्स, आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको वीडियो हर रोज मिल रहा है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में बिहार राज्य से संबंधित, ठीक है, बिहार राज्य के जितने भी जीके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सारे जीके को फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ला दिया है। और यहाँ से फ्रेंड्स 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है, और इस बार भी पूछेगा, ठीक है। सिलेबस अलग नहीं हुआ है, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज का क्या क्वेश्चन है, पहला ध्यान देखिए। क्वेश्चन कहा था कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक, किसके प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था। क्या हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तो फ्रेंड्स अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है। पुनपुन नदी जो है गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है। याद रखिएगा फतुहा के समीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। क्या होगा सही जवाब, तो ककोलत जलप्रपात जो है फ्रेंड्स वो सही जवाब हो जाएगा नवादा में है, ठीक है। कहाँ है, नवादा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। दुर्गावती, सही जवाब क्या होगा इसका, तो दुर्गावती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स, कैमूर में अवस्थित है। कहाँ, कैमूर में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कुंड कहाँ अवस्थित है। लक्ष्मण कुंड जो है कहाँ अवस्थित है। सही जवाब क्या होगा इसका, याद रखिएगा लक्ष्मण कुंड जो है वो मुंगेर में है। आगे बढ़ते हैं। मानसी चौर कहाँ अवस्थित है। मानसी चौर, याद रखिएगा फुलिया खार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक पीरा चौक कहाँ स्थित है। एक पीरा चौक कहाँ स्थित है, याद रखिएगा किशनपुर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किस स्रोत से की जाती है, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और सुन लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो है साइंस का 50 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने फ्रेंड्स एक PDF तैयार किया जिसमें 450 क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स, जिसमें सारे प्रश्नों को फ्रेंड्स ABCD आपको फ्रेंड्स ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF फ्रेंड्स आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है। ये जो है 1 तारीख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका प्राइस मात्र जो है 99 रुपया, ठीक है फ्रेंड्स। 99 रुपया कुछ नहीं फ्रेंड्स, इतना कम आपके लिए प्राइस रखा है कि हर कोई बच्चा जो इसे खरीद सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, या फिर कुछ लिख दीजिए सर हमें भी चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो बुक हो जाएगा फ्रेंड्स, बाद में आप पछताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है, सही जवाब हो जाएगा इसका नहर से, ठीक है। कहाँ से, नहर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई नहर से की जाती है किस जिले में, याद रखिएगा भोजपुर में, ठीक है। कहाँ, भोजपुर में। आगे बढ़ते हैं। तेउर नहर किस नदी से निकलती है। तेउर नहर जो है किस नहर से निकलती है, याद रखिएगा गंडक नदी से। आगे बढ़ते हैं। कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई थी। कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, सही जवाब क्या होगा। कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, 1953 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा पन बिजली घर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा पन बिजली घर कौन सा है, याद रखिएगा डगमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के कौन सी जलवायु पाई जाती है। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा उपोष्ण जलवायु, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सर्वाधिक औसत तापमान कितना रहता है। बिहार के जो सर्वाधिक जो होता है औसत तापमान कितना रहता है, याद रखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 320 लिखा गया है, शायद यहाँ पे 32 डिग्री शायद होता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है, कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखिएगा किशनगंज में होती है। कहाँ, किशनगंज में। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुल भूमि के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, सही जवाब क्या होगा, कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 6.87%। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6.87%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है। बिहार का पहला जैविक ग्राम
कौन सा है? याद रखिएगा फ्रेंड, सही जवाब हो जाएगा कोठिया। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, गया जिला सबसे ज्यादा ठंडा वाला है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जंगल किस जिला में है? ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिला में बिहार के? याद रखिएगा फ्रेंड्स, रोहतास है। कौन सा है फ्रेंड्स? रोहतास है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो क्रैश कोर्स के रूप में फ्रेंड्स आपको पढ़ाया जाएगा मैथ का क्लास भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।